25 बड़ी खबरों के बाद अब बात करेंगे आज के टॉप 5 एजेंडा की। वो 5 एजेंडा जो आज दिन भर की बड़ी खबरें होने वाली हैं, जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो पहला एजेंडा है अर्बन नक्सल मामले में पुणे पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में गौतम नवलखा का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवलखा कश्मीरी आतंकियों के संपर्क में था। इस पर पूरी डिटेल आगे आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा एजेंडा, लोकसभा में आज ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद बिल पारित होने की उम्मीद है। इसके अलावा लोकसभा में पास हो चुका आरटीआई संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 14 विपक्षी दल इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। तीसरा एजेंडा, कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में हैं। आज ये नेता अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद बीजेपी कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा करने की तैयारी में है, इस पर आगे अपडेट देंगे। चौथा एजेंडा, दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिख टेम्पो ड्राइवर से मारपीट करने वाले दो पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों कांस्टेबल 16 जून को हुई घटना के बाद से ही सस्पेंड चल रहे थे और इस मामले को लेकर दिल्ली में जबरदस्त हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। पांचवा एजेंडा, आरएसएस का वार्षिक गुरु दीक्षणा कार्यक्रम आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के घर पर हो रहा है और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। तो टॉप 5 एजेंडा में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आपको याद होगा कि भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस ने नक्सल कनेक्शन में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं में से थे एक्टिविस्ट गौतम नवलखा, जिन पर पुणे पुलिस की चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुणे पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि गौतम नवलखा का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवलखा कश्मीरी आतंकियों के संपर्क में थे। नाम गौतम नवलखा, काम आतंकियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश करना, ये दावा है पुणे पुलिस का। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा किया है कि भीमा कोरेगांव केस में आरोपी गौतम नवलखा के संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील अरुणा पाई ने कोर्ट में कहा कि भीमा कोरेगांव की जांच में ये निकल कर आया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन के जरिए माओवादियों को हथियार सप्लाई करवाए गए थे। गौतम नवलखा और कुछ नक्सल ग्रुप साल 2011 से ही पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से संपर्क में थे। इसके अलावा साल 2011 से 2014 के बीच में गौतम नवलखा कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और शकील बख्शी से भी संपर्क में थे। वकील अरुणा पाई ने हाई कोर्ट में ये दावा भीमा कोरेगांव की जांच के दौरान मिले एक बड़े सबूत को आधार बनाकर किया है और ये सबूत पुणे पुलिस को आरोपी रोना विल्सन और सुरेंद्र गार्डलिंग के लैपटॉप से कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। इनमें हिजबुल के आतंकियों के साथ नवलखा और दूसरे नक्सल ग्रुप ने द्विपक्षीय बातचीत भी की थी। गौतम नवलखा के जिस हिजबुल आतंकियों से बातचीत का दावा किया गया है उसके सरगना सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका 2017 में ही ग्लोबल आतंकी घोषित कर चुका है। संगठन कश्मीर घाटी में आए दिन आतंकी वारदातों को अंजाम देता है और उनके साथ बारूदी बुद्धिजीवियों का गठजोड़, ऐसे में इन लोगों को देशद्रोही न कहें तो क्या कहा जाए। जो अर्बन माओवादी है वो शहरों में एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, अच्छे खासे लोगों में बैठने उठने का अपना एक रुतबा बनाते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। जिस गौतम नवलखा के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने इतना बड़ा खुलासा किया है उसके बारे में भी जान लीजिए। दुनिया के लिए गौतम नवलखा मानव अधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार है। नवलखा को पुणे पुलिस ने यूएपीए समेत कई दूसरे अपराध में आरोपी बनाया है। मामला 31 दिसंबर 2017 को यलगार परिषद सम्मेलन के आयोजन से जुड़ा है।
सम्मेलन में दिए भड़काऊ भाषणों की वजह से अगले दिन पुणे जिले के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी। गौतम नवलखा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका देकर उन पर दर्ज हुए मामलों को खत्म करने की अपील की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नवलखा के वकील ने महाराष्ट्र सरकार के तमाम आरोपों को खारिज किया। हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक नवलखा को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। हालांकि सवाल है कि ऐसे बारूदी बुद्धिजीवी कब तक कानूनी दाव पेश की आड़ लेकर सलाखों के पीछे जाने से बचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं संसद में आज सरकार के दो इम्तिहान हैं। लोकसभा में आज तीन तलाक बिल पर चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पास करा लिया था, लेकिन राज्यसभा में अटकने से बिल को फिर लोकसभा में लाना पड़ा है। वहीं राज्यसभा में सरकार आरटीआई संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश भी करेगी, लेकिन सरकार को बहुमत कैसे मिलेगा इसे लेकर सस्पेंस है। विपक्ष की 14 पार्टियां बिल में संशोधन का विरोध कर रही हैं। लोकसभा में आज ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद लोकसभा से बिल को पारित किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। 17वीं लोकसभा में सरकार ने 21 जून को अपना पहला बिल ट्रिपल तलाक के खिलाफ ही पेश किया था। 21 जून को विपक्षी दलों के हंगामे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिग्रहण संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया था। बिल में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान है। कांग्रेस और टीएमसी समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ये विधेयक नारी न्याय और नारी गरिमा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से सरकार को दोबारा बिल पेश करना पड़ा है। राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के बीच आज सरकार आरटीआई संशोधन विधेयक पेश करेगी। बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है, लेकिन बिल के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। ये विपक्षी पार्टियां राज्यसभा में बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रही हैं। 14 पार्टियों के सांसदों ने टीएमसी के उस नोटिस पर दस्तखत किए हैं, जिसमें आरटीआई संशोधन बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की गई है। इन 14 पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, एएपी, बीएसपी, पीडीपी, टीडीपी, बीजेडी, एयूएमएल और आरजेडी शामिल हैं। विपक्ष बिल में संशोधनों का विरोध कर रहा है। दरअसल आरटीआई एक्ट 2005 में सरकार मुख्य तौर पर दो बदलाव चाह रही है। संशोधन के मुताबिक सूचना आयुक्तों का कार्यकाल सरकार तय करेगी। विपक्ष का कहना है कि इससे आयुक्तों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। दूसरे संशोधन में सरकार वेतन और भत्ते तय करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को देने की बात कह रही है, जबकि आरटीआई एक्ट 2005 के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में चुनाव आयोग का नियम लागू होगा, यानी उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की तरह वेतन और भत्ते मिलेंगे। आरटीआई बिल को रोकने के लिए एकजुट हुई 14 पार्टियों के पास राज्यसभा में 111 सांसद हैं, जबकि 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 123 है। ऐसे में विपक्ष के रुख को देखते हुए राज्यसभा से इसका पास होना मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। और आज का तीसरा एजेंडा है कर्नाटक, जहां सरकार बनाने में बीजेपी किसी भी तरह की हड़बड़ी से बचती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सरकार बनाने का दावा करने से पहले बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहती है। कर्नाटक बीजेपी के सभी बड़े नेता दिल्ली आ चुके हैं और ये नेता आज अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर रणनीति बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पहले बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, उसके बाद ही कर्नाटक में सरकार बनाने की दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा। अगली रणनीति पर चर्चा के लिए कर्नाटक बीजेपी के कई बड़े नेता दिल्ली आ चुके हैं। आज ही नेता अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वी वांट टू डिस्कस विद आवर नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी, फॉर दैट पर्पस मीटिंग द अमित शाह जी वी केम हियर। फिलहाल कर्नाटक विधानसभा में बहुमत बीजेपी के साथ है। सदन में बहुमत के लिए 103 विधायक चाहिए, जबकि दो निर्दलियों के साथ बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात अगले एजेंडे। खबर है दिल्ली से, जहां के मुखर्जी नगर इलाके में एक सिख टेम्पो ड्राइवर से मारपीट के मामले में दो पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
दोनों पुलिसकर्मियों पर गैर पेशेवर रवैया अपनाने के आरोप में ये कार्रवाई हुई है। मारपीट की घटना 16 जून को हुई थी, जिसमें दोनों पुलिस वाले भी शामिल थे और इस मामले को लेकर दिल्ली में खूब हंगामा हुआ। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सालाना गुरु दक्षिणा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के निवास पर चल रहा है ये कार्यक्रम, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और किरण रिजिजू भी कार्यक्रम में शामिल हैं। आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में संघ कार्यकर्ता गुरु दक्षिणा के तौर पर गुप्त दान करते हैं। इससे पहले ही संघ के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में कई हस्तियां शामिल होती रही हैं। 27 सितंबर 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा की ये परंपरा संघ ने 1928 में शुरू की थी। पहली बार गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में 84 रूपए 50 पैसे इकट्ठे हुए थे। हालांकि आरएसएस इस गुप्त दान का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं करता है। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मनीष, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, अभी क्या हो रहा है और कौन कौन से बड़े नेता पहुंच चुके हैं? देखिए पयोधी, ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से चल रहा है और अब कार्यक्रम खत्म होने वाला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और कई जो बड़े सरकार के मंत्री हैं या बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं और अभी धीरे धीरे जो मंत्री हैं वो निकलने भी शुरू हुए हैं। चाहे हम प्रकाश जावड़ेकर की बात करें या बाकी कई बीजेपी के MPs हैं। यहाँ पर अमित शाह का जरूर इंतजार हो रहा था, अभी तक अमित शाह नहीं आए हुए हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर में आए या फिर वो बाद में शामिल हो। देखिए, जैसा आपने बताया कि 1925 से आरएसएस जब स्थापना हुई थी उसके बाद आरएसएस तब और अब में बहुत एक ज़्यादा अंतर आ चुका है। आरएसएस काफ़ी मजबूत हो चुकी है और भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में आरएसएस की शाखाएं हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो गुप्त दान जो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है, जिसमें लोग अपने मर्जी से दान करते हैं, जिसको गुप्त दान कहा जाता है, जिसके बारे में नहीं बताया जाता कि किसने कितना पैसा दिया, क्योंकि ये श्रद्धा, ये लोगों के अपने जो समर्पण है उसके हिसाब से ये तय होता है। हालांकि कई बार देखा गया कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो ज़्यादा दान करना चाहते हैं, पहले लोग छोटे छोटे अमाउंट दान करते थे, तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई कि बैंक ड्राफ्ट से या चेक के या बैंक के जरिए भी आरएसएस को आप दान कर सकते हैं। जहाँ तक ये जो गुरु दक्षिणा है, ये होता क्यों है, क्योंकि आरएसएस तमाम जो ऐसे कार्यक्रम करती है पूरे देश भर में, और हमने कई देशों में भी देखा जहाँ पर जब भी आपदा आती है या कोई विपत्ति आती है या किसी तरीके की लोगों को जरूरत पड़ती है, उस वक्त जो संघ से जुड़े लोग हैं वो लोगों की मदद करते हैं। चाहे वो आंध्र प्रदेश में साइक्लोन आया हो या फिर नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स में फ्लड हो, वहां पर आपको जरूर ये जो संघ के लोग हैं वो काम करते नजर आएंगे और उसका ये जो पैसा है वो उसी काम के लिए होता है। ये जो कार्यक्रम पिछले बार दिल्ली में रखा गया था, करीब 95,000 लोग शामिल हुए थे। ये जो आज का कार्यक्रम है, चूंकि मिनिस्टर के घर पर रखा गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर पे, तो मोस्टली जो बीजेपी के सांसद हैं और जो मंत्री हैं सरकार के वही शामिल हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके साथ ही कोई और भी बड़ा कार्यक्रम है और देश के अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम होता है। और जो जानकारी होगी आगे आपसे फिर से लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, उनके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी।